नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैक्रोनी तो सबको ही पसंद आती है और ये इतनी झटपट बन जाती है इसलिए इसके सब दीवाने होते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मैक्रोनी जो बहुत टेस्टी लगती है और आप इसे कभी भी बना सकते हैं और ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। मैं आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लेंगे पैन में पानी गरम और डाल देंगे थोड़ा नमक। पानी गरम हो जाए तो हम अपनी ऐड कर देंगे उसमें मैक्रोनी। मैक्रोनी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इतने हम कर लेते हैं हमारी चॉपिंग। चॉपिंग में मैंने यहाँ कट कर लिए हैं बारीक प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और मैंने थोड़े से ओरिगैनो भी ले लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप लें या ना लें। देखिए इतने में हमारी मैक्रोनी भी उबलकर तैयार हो गई है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे और चलिए अब चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। हम यहाँ पैन में डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे हमारे कट किए हुए लहसुन। लहसुन को हम बिल्कुल थोड़ा सा हल्का ब्राउन ही करेंगे और फिर डाल देंगे हमारी प्याज। प्याज को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। फिर डाल देंगे हमारी मिर्च और मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब अपना फ्लेम लो कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब बारी है मसालों की। मसालों में मैं सिर्फ हल्दी डालूंगी क्योंकि मुझे मैक्रोनी में ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है और लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाल ली थी। अब बारी है टमाटरों की। टमाटर मैं पैन में डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। हमारा मसाला अच्छे से भून जाए इसके लिए हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक हमारे मसाले को भूनने में काफ़ी हेल्प करता है। मैक्रोनी के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। ये मैक्रोनी में जान डाल देता है और इससे मैक्रोनी का स्वाद 4 गुना और बढ़ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्रेश मलाई। अब हम अपने मसाले में डालेंगे फ्रेश मलाई और ये हमारी मैक्रोनी को एक अलग फ्लेवर देगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारे मसाले को थोड़ी देर भूनने देंगे। जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लग जाए तो इसका मतलब हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है और मसाला बनने के बाद हम डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई मैक्रोनी और करेंगे इसको अच्छे से मिक्स ताकि हमारा सारा मसाला मैक्रोनी पे कोट हो जाए। तो हम दोस्तों हमारी मैक्रोनी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसको करेंगे सर्व। तो दोस्तों हमारी मैक्रोनी बनकर हो गई है तैयार। आप भी इस तरह से मैक्रोनी बनाकर ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही यमी बनती है और मैक्रोनी तो बच्चे भी अपने स्कूल टिफ़िन में ले जाना बहुत पसंद करते हैं और आप इसको कभी भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही झटपट बन जाती है। तो दोस्तों यही थी आज की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।